नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सभी केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेलफेयर में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सदी का सबसे बड़ा तोहफा 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और दोस्तों के साथ में, ताकि सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इसकी जानकारी मिल सके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, सभी निजी अस्पतालों में करा सकेंगे अपना इलाज। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 44 लाख वर्तमान और रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि CGHS देश के सभी निजी अस्पतालों में लागू होगा, चाहे वो पैनल में हो या नहीं हो। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि अच्छी मेडिकल सुविधा पाना प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का अधिकार है, इसीलिए केंद्र सरकार ऐसे किसी भी बिल का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती है। अगर कर्मचारी ने पैनल में नहीं शामिल किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया हो, दोस्तों इलाज लिया है या नहीं यह जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि सरकार को यह देखना जरूरी है कि क्या वाकई में संबंधित व्यक्ति ने इलाज लिया है या नहीं। अगर उसे ऐसे किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज लिया है जो पैनल में शामिल नहीं है, तब भी उसे सभी बिलों का भुगतान होना चाहिए। दोस्तों, केवल एक टेक्निकल आधार पर भुगतान किसी भी हालत में रुकना नहीं चाहिए। नंबर लेने के लिए होगी ऑनलाइन व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, CGHS की देश भर के ज़्यादातर बड़े शहरों में डिस्पेंसरियाँ हैं, जहाँ केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों और उनके आश्रितों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। दोस्तों, इसके साथ ही दवाएं भी डिस्पेंसरी में मुफ्त भी मिलती हैं। दोस्तों, डॉक्टर को दिखाने और दवाएं लेने के लिए लाभार्थियों को वेलनेस सेंटर यानी डिस्पेंसरी काउंटर पर नंबर लेना पड़ता है। दोस्तों, लाभार्थियों में ज़्यादा संख्या पेंशनरों की है, 100 नंबर लेने के लिए अक्सर उन्हें लंबी लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों, इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि वेलनेस सेंटर के काउंटर के साथ नंबर लेने की व्यवस्था ऑनलाइन कर दी जाए, ताकि लाभार्थियों को इसके लिए लंबी लाइन न लगानी पड़े। दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ रहे दोस्तों।